गुड मॉर्निंग ऑल द माय मार्शल आर्टिस्ट फ्रेंड्स, जो विंग चुन सीखना चाहते हैं और जबरदस्त तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आज मैं बताने वाला हूँ विंग चुन सीखने के टाइम पे आपको कौन सी पांच चीजों की ध्यान रखना पड़ेगा। पांच ऐसी चीजें जो आप अगर नहीं समझते हो तो ये आपको विंग चुन से बहुत दूर ले जाएगा। यानी आप लोग देख रहे होंगे, कई लोगों का विंग चुन बॉक्सर जैसा होता है, कई लोगों का विंग चुन कराटे जैसा होता है, कई लोगों का विंग चुन काली प्रतिशा काली जैसा होता है, पर विंग चुन है तो वो वहां पे ओरिजिनली आपको उसके प्रिंसिपल समझने पड़ेंगे। तो लर्निंग प्रिंसिपल होते हैं, देयर इज अ फाइटिंग प्रिंसिपल। सो मैं आज बात करने वाला हूं लर्निंग प्रिंसिपल पर। पहला आपको सीखना है रिलैक्सेशन, आपकी बॉडी को कितना आप रिलैक्स रख रहे हो। ढीला छोड़ना और रिलैक्स बॉडी होना दोनों में फर्क है। अगर मैं सीना तान के यूं करके खड़ा हूं, मेरी बॉडी ही मेरी एनर्जी कंज्यूम करेगी। जितनी मेरी बॉडी एनर्जी कंज्यूम करेगी, मैं उतना सामने डिलीवरी कम दे पाऊंगा। दूसरा स्टेप है जहां पर बैलेंस, फाइट के अंदर में आपका बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जब विंग चुन के स्टांस की जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका बैलेंस आप स्टेबलाइज करते हो, आप अपरूटिंग सीखते हो। अपरूटिंग को मैं थोड़ा सा इस तरह से बताऊंगा, जैसे बांस का पेड़ है, आप कितना भी करो ऊपर से फ्लेक्सिबल रहेगा बट नीचे से वो अंदर गड़ा हुआ रहेगा। आप कितनी भी तेज हवाएं आंधियां आती है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, बांस स्टेबल रह जाता है। तो वो आपको समझना पड़ेगा अपरूटिंग कैसे होगी। सबसे उससे आगे चल रहे हैं जहां पे आता है सेंटर लाइन को। सेंटर लाइन में मिथ होती है लोगों को, रहता है सिर्फ सेंटर लाइन को गार्ड करना है। सेंटर लाइन को गार्ड करने का मतलब आपके जो वाइटल ऑर्गन है, आंखें हैं, नाक है, जॉ है, ट्रेकिया है, सोलर प्लेक्सिस है, आपका स्टमक है, लोअर एब्डोमिन है, आप जहां पे ग्रोइन के बारे में बात कर रहे हो, ये सारे एरिया को सिर्फ गार्ड करना, ये सेंटर लाइन नहीं है। सेंटर लाइन अपने आप में एक अलग प्रिंसिपल है। अगर मैं सेंटर लाइन में मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, वैसे मेरा एक घंटे का वीडियो स्निकर विंग चुन के जो यूट्यूब चैनल वहां पे अवेलेबल, जहां मैंने एक डेमो भी दिया था कि कैसे सेंटर लाइन में आप अपनी रेंज भी बढ़ा सकते हो। तो मैं ये सारी चीजें जो सिखा बता रहा हूं उसका डिटेल वीडियो भी आपको मिलेगा। तो सेंटर लाइन को गार्ड नहीं, सेंटर लाइन में भी अटैक करना है। तो अगर मैं सिंपल ही बता रहा हूं कि ये पंच कर रहा हूं तो इट्स नॉट इन द सेंटर लाइन, जब तक ये एल्बो अंदर नहीं आ जाता है। तो जितना एल्बो मेरी सेंटर लाइन के नजदीक रहेगा वहां पे फर्क पड़ जाएगा। तो ये हो गया सेंटर लाइन। फिर थर्ड आता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मींस आप उसका सामने वाले का पावर को कैसे समझ पा रहे हो, कौन से डायरेक्शन में उसको ले जाना है, किस तरह से उसको यूज करोगे उसके अगेंस्ट में, जो बोलते हैं चेजिंग ओपोनेंट्स एनर्जी, वो कैसे आती है। तो सेंसिटिविटी जब ड्रिल कर रहे हो, जब आप जहां पे पुनसाव या लुकसाव कर रहे हो, जहां पे चीसाव की प्रैक्टिस करो, चीसाव स्टिकी हैंड प्रैक्टिस आपकी सेंसिटिविटी बढ़ाने में मदद करता है। पर चीसाव फाइट नहीं है। कई लोग सिखाते हैं चीसाव, दो बार हाथ मार दिया तो वो चीसाव नहीं होता है। चीसाव इज अ ड्रिल। ड्रिल का मतलब फाइट नहीं, ड्रिल का मतलब सेंसिटिविटी है, एक्सरसाइज है वो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है पावर जनरेशन। मैं कोई भी अगर पुराने मार्शल आर्ट में चलते हैं जहां पे जो ट्रेडिशनली वैसे सिखाया जाता है, कहीं पर भी आपको ताकत लगा के मारना नहीं सिखाया जाएगा, वो रिलैक्स बॉडी के अंदर में। आप अगर मैं रिलैक्सेशन के साथ में फाइट करने की अगर मैं बात करूं तो आप मोहम्मद अली को देखिएगा, द वे ही इज अ फ्लोटिंग और वहां से कर रहे हैं, वो एंड टाइम में पावर कॉन्सेंट्रेट कर देते, एंड टाइम में पावर जनरेट कर देते। यानी वो ताकत लगा के मारने की कोशिश नहीं किया। जितना आप अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ताकत लगाओगे, मारोगे, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। और क्लोज क्वार्टर के अंदर में आपकी स्पीड आपको भी मालूम है बहुत मायने रखती है। सो मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने पांच कौन से प्रिंसिपल के बारे में बताया। फर्स्ट है रिलैक्स बॉडी, बैलेंस, सेंटर लाइन, सेंसिटिविटी एंड पावर जनरेशन। तो आगे सीखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस चैनल के ऊपर, और बहुत सारी चीजें आप लोगों के लेके आने वाला हूं। दिल खोल के पूरा विंग चुन आपको सिखाने वाला हूं। साथ में सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। थैंक यू वेरी मच।